दिवाली से एक दिन पहले आज अयोध्या में 12 लाख दिए जलाएगी यूपी सरकार, बनेगा नया रिकॉर्ड। 12 लाख में से 9 लाख दिए सरयू के किनारे जलाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हर गांव से आए 5 मिट्टी के दिए अयोध्या को रोशन करेंगे। अयोध्या में सुबह 10 बजे साकेत महाविद्यालय के यात्री शोभा यात्रा निकालेंगे। दोपहर 2 बजे रामकथा पार्क पहुंचेगी शोभा यात्रा। यूपी के सीएम योगी दोपहर 2:15 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से राम सीता लक्ष्मण के प्रारूपों का आगमन होगा। रामकथा पार्क में भगवान राम की पूजा आरती होगी। अयोध्या की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। शाम 5:25 पर सरयू घाट पर होगी आरती। शाम 5:50 पर राम की पैड़ी पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम 6 बजे से शुरू होगा दीपोत्सव। राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी लेंगी हिस्सा। शाम 6:30 बजे रामायण पर आधारित भव्य लेजर शो का भी होगा आयोजन। अयोध्या में दीपोत्सव पर रामलला को हरे रंग की पोशाक पहनाई जाएगी। 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों पर अधिकारियों की बैठक। आईजी केपी सिंह ने कहा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती होगी। धनतेरस पर प्रयागराज का मैदान मोहन मालवीय स्टेडियम दीपों की रोशनी से जगमग हुआ। दीयों के साथ हजारों मोमबत्तियां जलाई गई। रोशनी से जगमगा उठा जयपुर। रंग बिरंगी रोशनी ने शहर की सुंदरता में चार चांद लगाए। जयपुर के बड़ी और छोटी चौपड़ की सुंदरता देखने लायक। दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। आज कम टीकाकरण वाले 40 जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। वर्चुअली मीटिंग में करेंगे समीक्षा। पीएम की बैठक में झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय के सीएम भी रहेंगे मौजूद। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर होगी चर्चा। ग्लासगो में स्वदेश रवाना हुए पीएम मोदी। 2 नवंबर की देर रात स्वदेश के लिए रवाना हुए पीएम। स्वदेश रवाना होने से पहले भारतीयों के बीच पहुंचे पीएम मोदी, ढोल पर थाप लगाई। ग्लासगो में पीएम मोदी का दिखा अलग अंदाज, बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए पीएम। पीएम को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में होटल के बाहर जुटे लोग। मोदी ने सबका गर्मजोशी से अभिवादन किया। पीएम मोदी ने एक छात्र के हाथ पर ऑटोग्राफ दिया। अपनी जेब से पेन निकालकर ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी से मिलकर इमोशनल हुए लोग। एक महिला की आंखों से छलके आंसू। पीएम मोदी ने भारतीय लोगों से की खुलकर बात। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। ग्लासगो में बोले पीएम मोदी, प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से भारी नुकसान हुआ। पीएम मोदी ने कहा मानवता को बचाने के लिए सौर ऊर्जा को अपनाना होगा। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ही सोल्यूशन। ग्लासगो दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय बैठक की। इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के साथ भी पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बातचीत की। देश की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। दादर नगर हवेली में शिवसेना, खंडवा में बीजेपी और मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने परचम लहराया। विधानसभा उपचुनावों में 29 में से एनडीए को 15, कांग्रेस को 8, टीएमसी को 4 और अन्य 2 दलों को 1-1 सीट मिली। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में चला ममता बनर्जी का मैजिक। सभी 4 सीटें टीएमसी ने बड़े मार्जिन से जीती। जीत के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा बंगाल ने बता दिया वो नफरत की राजनीति की बजाय विकास और एकता को चुनेगा। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बोले टीएमसी सीटें जीतती नहीं छीनती है। बिहार उपचुनाव में जेडीयू ने भारी मतों से बाजी मारी। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर जीत मिली। आरजेडी को हार पर भड़के तेज प्रताप, कहा मेरी सुनते तो नहीं होती हार। जगदानंद सिंह शिवानंद तिवारी से मांगा इस्तीफा। पटना में जीत के जश्न में डूबे जेडीयू कार्यकर्ता, जमकर आतिशबाजी की। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट बीजेपी ने जीती। विधानसभा की 3 में से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। जीत से गदगद हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा इन सीटों पर जनता का ऐसा समर्थन पहले नहीं मिला। राजस्थान में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर कब्जा जमाया। दरियावद में और वल्लभ नगर में 4 नंबर पर रही बीजेपी। हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल का कब्जा। इनेलो के अभय चौटाला ने बीजेपी के गोविंद कांडा को हराया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका। कांग्रेस ने किया क्लीन स्वीप, लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 3 सीटों पर कब्जा। हिमाचल प्रदेश में मिली जीत पर झूमी कांग्रेस। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाच गाकर जश्न मनाया। बीजेपी की हार पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उपचुनाव के नतीजे पर बोले राहुल गांधी, कांग्रेस की हर जीत कार्यकर्ताओं की जीत, नफरत के खिलाफ लड़ने को कहा। असम उपचुनाव के नतीजे एक तरफ रहे। असम में 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा। असम में जीत के बाद बोले सीएम हिमंता बिस्वा सरमा, जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर फिर भरोसा जताया। कर्नाटक उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती।
सिंगडी में बीजेपी और हंगल में कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व में एनडीए की सरकारें जन सामान्य के विकास के लिए कटिबद्ध। दादर नगर हवेली में शिवसेना की जीत पर बोले आदित्य ठाकरे, ये तानाशाही और अन्याय के खिलाफ जनता का फैसला दिया है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने कहा, तानाशाही और महंगाई के खिलाफ जनता ने वोट दिया। दिवाली से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का सियासी धमाका, पंजाब लोक कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेजा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को पंजाब अध्यक्ष बनाने पर चिंता जाहिर की, कहा कांग्रेस आलाकमान को अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा। बिजली सस्ती करने पर चन्नी सरकार पर सुखबीर सिंह बादल का निशाना, कहा गप ही मारनी है तो 5 रुपए की कर देते। सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चुनाव से पहले जनता को गुमराह किया, वही आप कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सैफई जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष पासी ने ज्वाइन की बीजेपी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। योगी सरकार की मनरेगा मजदूरों को दिवाली की सौगात, धनतेरस पर बकाया मजदूरी का किया भुगतान। यूपी में 2017 से अब तक लगभग 4,50,000 नौकरियां दी गई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया। सुरक्षा बलों को आयुष्मान योजना का तोहफा, गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसजी के डीजी को हेल्थ कार्ड सौंपे। ईडी की कस्टडी में बीतेगा अनिल देशमुख की दिवाली, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री को कोर्ट ने 6 नवंबर तक रिमांड पे सौंपा। अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह का बयान, शिकायत करने वाला शख्स लापता, ऐसे में देशमुख के खिलाफ कैसे स्टैंड नहीं करता। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, देश जानना चाहता है कि आखिर कौन है 100 करोड़ वसूली मामले का आका। अनिल देशमुख के बाद अजीत पवार पर एक्शन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1,000 करोड़ की संपत्ति सीज करने का नोटिस दिया। एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वांगखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज करने की बात कही। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुकेश चंद्रशेखर, लीना पॉल समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हथियारों का जखीरा बरामद, एक घर से 2 AK-47, 4 पिस्टल जब्त। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर CBI ने इसे टेक ओवर किया, जांच शुरू की। मुंबई के पनवेल में हादसा, निर्माणाधीन ब्रिज का पियर पाइप गिरा, एक मजदूर की मौत। पनवेल हादसे में 6 मजदूर जख्मी, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, मामले में जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस ने रेड कर अवैध पटाखों को जब्त किया, दिल्ली के महावीर बाजार इलाके से भारी संख्या में पटाखे जब्त किए गए। जम्मू के RSpura सेक्टर में BSF के जवानों ने मनाई दिवाली। दिवाली मिलन समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शाहरुख खान के जन्मदिन पर उनके बंगले के बाहर जुटे फैंस, कल 56 साल के हो गए शाहरुख खान। देश में कोरोना के 10,423 नए मामले, 443 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 6,444 नए मरीज मिले, 45 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,078 केस, 24 घंटे में 48 लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए, 30 नवंबर तक 100% डोज लगाने का लक्ष्य दिया। दिल्ली में कोरोना के 34 नए मामले, 24 घंटे में किसी भी मरीज की मौत नहीं। दिल्ली के लाजपत नगर में धनतेरस पर उमड़े लोग, कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। दिल्ली के सदर बाजार में भी कोरोना नियमों को तोड़ते दिखे लोग, धनतेरस पर बाजार में रही भारी भीड़। दिल्ली के सरोजनी नगर में भी लापरवाही करते नजर आए लोग, खरीदारी के लिए उमड़ी भारी भीड़। धनतेरस की शाम दिल्ली के चांदनी चौक में बड़ी संख्या में पुलिस रही तैनात, लोगों से कोरोना नियमों का पालन कराते हुए नजर आए पुलिस वाले। मुंबई के दादर और क्रोफेट मार्केट में धनतेरस पर उमड़ी भारी भीड़, कई लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। अफगानिस्तान के काबुल में सैनिक अस्पताल पर फिदायीन हमला, 19 लोगों की मौत, 50 जख्मी। तालिबान ने कहा हमले के पीछे IS का हाथ, 5 हमलावर भी मारे गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम ब्लास्ट, 13 घायल। अफगानिस्तान के मुद्दे पर बातचीत से भागा पाकिस्तान, 10 नवंबर को NSA मीट में शामिल होने से इनकार किया। भारत ने 10 नवंबर को अफगानिस्तान के हालात पर बैठक बुलाई, चीन रूस ईरान को भी न्योता। COP26 कॉन्फ्रेंस के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आई झपकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नाइजीरिया में 21 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, 15 लोगों की मौत। 20 घंटे से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, बिल्डिंग में 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका। विश्व कप में आज भारत के सामने करो या मरो का मुकाबला, भारत की आज अफगानिस्तान से होगी टक्कर। टीम इंडिया को विश्व कप में पहली जीत का है इंतजार, इससे पहले 2 मैचेस पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार चुकी है टीम इंडिया। टीम इंडिया की सेमीफाइनल्स की राह बेहद मुश्किल, जीतने होंगे अपने 3 मैच, दूसरी टीमों के प्रदर्शन से तय होगा भारत का सेमीफाइनल का सफर।
अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जमकर प्रैक्टिस की। सूर्य कुमार यादव भी प्रैक्टिस करते नजर आए। वर्ल्ड कप के आज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड का स्कॉटलैंड से मुकाबला। कीवी टीम दो मैचों में एक जीत के साथ तीसरे नंबर पर काबिज। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नामीबिया को 45 रन से हराया, लगातार चौथी जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दो विकेट खोकर 189 रन बनाए। जीत का पीछा कर रही नामीबिया 145 रन ही बना सकी। कल के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। साउथ अफ्रीका ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश 84 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने 14वें ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। नीरज चोपड़ा, मिताली राज सहित 12 खिलाड़ियों को 13 नवंबर को मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। खेल मंत्रालय ने की घोषणा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।